हाय गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल चसलन में। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फिर ऐसे भी स्पेशल डिस्कशन करेंगे जो आपके एमपीपीएससी 2019 में बेहद ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और आज के सेशन में कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो एमपीपीएससी पूछ चुका है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के उन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं जो कि आ चुके हैं या जिनके आने की ज़्यादा संभावना होती है। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं क्या प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A का संबंध किससे है। तो आप सब जानते हैं कि 21A जो है, 21A का संबंध जो है, आर्टिकल है, वो हमारे फंडामेंटल राइट्स में बताया गया है। तो इस आर्टिकल का जो संबंध है वो लिटरेसी यानी शिक्षा से संबंधित है। 21A में बताया गया है, इसमें प्रावधान किया गया है कि शिक्षा जो कि प्रत्येक बच्चों के लिए एक प्राइमरी होगी, मतलब प्राइमरी रूप में, प्राथमिक रूप पर सभी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देना अनिवार्य होगा, ये बताया गया है, ये मेंशन किया गया है आर्टिकल 21A में। ध्यान रखिएगा। और एक बात और कि जो 21A है उसे भारतीय संविधान के 86वां यानी 86वां संविधान संशोधन था 2002 में जो किया गया था, उसके द्वारा इस आर्टिकल को मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स में इंसर्ट किया गया, जोड़ा गया। तो ध्यान रखिएगा 21A का संबंध शिक्षा से है। नेक्स्ट प्रश्न आपके देख पा रहे हैं, मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी है। ध्यान रखिएगा 2014 में आया हुआ प्रश्न है, पूछा गया है कि मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी है। तो आपको पता होना चाहिए वाद्य योग है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप अपने मौलिक अधिकारों के हनन होने पर सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं, और आपके हनन हुए मौलिक अधिकार के लिए आप वहां से अपनी माफी चाहता हूँ, वहां से आप अपनी राइट्स जो कि हनन हुए हैं उनके लिए प्रोटेक्शन मांग सकते हैं। तो ध्यान रखिए मौलिक अधिकारों की जो प्रकृति है वो वाद्य योग है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, मीसा एक्ट कब लाया गया। ठीक है, आपको पता होना चाहिए मीसा एक्ट था कब लाया गया, 1971 में। ध्यान रहेगा जो कि निवारक निरोध कानून होते हैं, विधि होती है, उनके तहत मीसा एक्ट लाया गया था 1971 में। ठीक है, फिर बाद में इसे बंद कर दिया गया। तो बस आपको यह रखना है कि मीसा एक्ट कब लाया गया, तो 1971 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो आपको पता होना चाहिए 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ठीक है, तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता आपने कई बार पढ़ा होगा, बट फाइनली आपको इतना पता होना चाहिए कि 6 प्रकार की स्वतंत्रता मेंशन की गई भारतीय संविधान में। ठीक है, फिर प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है। सब जानते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता है यानी किसी की व्यक्ति को किसी भी प्रकार की वाद विवाद है तो उसको लाइव टेलीकास्ट करने का अधिकार है उसे। तो प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किसे बताया गया, 19A में, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो 19A में ये मेंशन किया गया है प्रेस की स्वतंत्रता को। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं और भी प्रश्न। नेक्स्ट, संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। ठीक है, आमतौर आपको पता होगा कि जो संपत्ति का अधिकार है, तो जब स्टार्टिंग में यानी शुरू में संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया गया था तो संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकारों में रखा गया था, लेकिन बाद में इसके लिए कई सारे विवाद आने लगे तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया, और इसे 44वें संविधान सभा 1978 के द्वारा हटा करके 300A या 300A आर्टिकल में रख दिया गया। ध्यान रखिएगा जो संपत्ति का अधिकार है अब कानूनी अधिकार है। ठीक है, प्रश्न ऐसा बनेगा, ध्यान रखिएगा बन चुका है, बन सकता है। तो ध्यान रखिएगा संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो कानूनी अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, कुटीर उद्योगों के प्रोत्साहन की बात भारतीय संविधान में कहाँ की गई है। ठीक है, तो आपने अमूमन जो नीति निर्देशक तत्व है उसे पढ़ा होगा, तो आपने वहाँ नजर डाला होगा, तो ये बात वहाँ की गई है। तो नीति निर्देशक तत्वों में कुटीर उद्योगों के प्रोत्साहन की बात की गई है। आपने आर्टिकल देखा होगा, आर्टिकल 43 आर्टिकल में ये मेंशन किया गया है कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन किया जाएगा भारतीय संविधान में, यहाँ पर किया गया है यानी अनुच्छेद 43 में कुटीर उद्योग के प्रोत्साहन की बात कही गई है। ठीक है, तो आपको मेंशन होना चाहिए, आपको दिमाग में होना चाहिए कि कहाँ प्रश्न पूछ सकते हैं, तो इस प्रश्न को दिमाग में रखें, कुटीर उद्योग के प्रोत्साहन की बात कहाँ की गई है भारतीय संविधान में, तो नीति निर्देशक तथ्यों में यानी DPSP में। ठीक है,
नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदक की संख्या कितनी है? आप सब जानते हैं कि राष्ट्रपति के लिए, ठीक है, लेकिन मैं जो प्रश्न बनाया है मैंने वो क्या पूछ रहा है मैं कि उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदक की संख्या कितनी होती है? तो ध्यान रखिए, उपराष्ट्रपति के लिए 20 होती है, 50, और 50 किसकी होती है? राष्ट्रपति की, यानी 50 लोग प्रस्तावक होना चाहिए और 50 लोग अनुमोदक, ठीक है। तो इस बार उपराष्ट्रपति पद के लिए जो व्यक्ति उम्मीदवार है उसके लिए, तो उसके लिए 20 लोग उसका समर्थन भी करें और 20 लोग उसका प्रस्तावक भी, प्रस्तावक भी हो और अनुमोदक भी हो, तो 20 होने चाहिए, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति पद के लिए 20 और राष्ट्रपति पद के लिए आप जानते हैं 50 और 50, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? बहुत ही आसान प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, बट फिर भी बहुत ज़्यादा आने की संभावना होती है, वही प्रश्न आते रहते हैं, बट बहुत ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में हम बहुत सारे सिली मिस्टेक कर देते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सिंपल सा प्रश्न है जिसका आंसर आप सब जानते हैं, लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति। ये आर्टिकल, इसका आपका आर्टिकल बताता हूँ, 75(3) में ये मेंशन किया गया है, 75(3) में ये मेंशन किया गया है कि जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। नेक्स्ट प्रश्न क्या देख पा रहे हैं? सर्वोच्च न्यायालय के किस निर्णय के तहत प्रस्तावना को संविधान का माफी चाहूंगा, सर्वोच्च न्यायालय के किस निर्णय के तहत प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया है, ठीक है। ये प्रश्न बहुत ही चहेता है पीएससी के लिए और जो पीवी एग्जाम होते हैं उसके नजरिए से, तो बहुत ही आया हुआ, बहुत ही ज्यादा टाइम बार ये आया हुआ प्रश्न है, तो इस प्रश्न को भी ध्यान रखें। तो केशवानंद भारती वाद हुआ था 1973 में, ठीक है, तो उसके तहत सर्वोच्च न्यायालय ने बताया, निर्णय दिया कि जो तो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है, ठीक है। जानेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय किस निर्णय के तहत, तो केशवानंद भारती वाद हुआ था उसके तहत प्रस्तावना को संविधान का अंग घोषित किया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में गांधी जी के विचारों का समावेश कहाँ किया गया है? बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है ये, ठीक है। तो आप भी जानते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों में ये बताया गया है, यहाँ पर गांधी जी के जो विचार थे, गांधी जी के दर्शन थे, तो इन गांधी जी के विचारों और दर्शनों को कुछ वाक्यों के जरिए नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP में समाहित किया गया है। तो DPSP का आपने आर्टिकल 40 सुना होगा, ग्राम पंचायतों का संगठन की बात, गठन की बात कही है, तो ये सब जो विचार थे सब गांधी जी के थे, तो गांधी जी के विचारों को जो समावेश किया गया वो DPSP में मिलता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है। नेक्स्ट, मध्य परिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो शायद ही आप जानते होंगे, और जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर नहीं जानते तो भी कोई बात नहीं, तो आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 74 में मेंशन किया गया है कि मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया या प्रधान प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता, चुनाव होता है सांसदों का, और उसके बाद जो प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति, ठीक है। तो ये मैं कई बार आपसे बता चुका हूँ, तो इसका याद रखें आप, ये भी प्रश्न बन सकता है, इस पर भी मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में बता चुका हूँ आपको, ठीक है। तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं, बट यहाँ पर मैं एक बार फिर से आपको प्रकाश डालना चाहूँगा, यहाँ पर लाइट डालना चाहूँगा कि जो प्रधानमंत्री होता है उसकी नियुक्ति की जाती है, लोकसभा का चुनाव होता है, लोकसभा तब जो सांसद होते हैं उनका इलेक्शन होता है, तो वो जाते हैं लोकसभा में, और जो लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है उसे बनाया जाता है प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, लोकसभा व राज्यों की विधानसभा के सदस्यों की संख्या कब तक नियत है? आप सब जानते हैं कि वर्तमान में जो लोकसभा की संख्या है यानी 552, और विधानसभाओं, राज्यों की विधानसभा जो कि अलग अलग है वो याद करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर मध्य प्रदेश की विधानसभा 230 सीटें हैं, मध्य प्रदेश की विधानसभा में, तो ये 230 सीटें और लोकसभा की जो सीटें हैं 552, ये कब तक नियत रहेंगी? तो 2026 तक, 2026 के बाद परिसीमन आयोग बैठाया जाएगा, बैठा होगी, उसके बाद जो लोकसभा और विधानसभा राज्यों की विधानसभा है उनकी जो संख्या है उनको बढ़ाया जाएगा। अभी जो वर्तमान में संख्या है वो 1971, यानी कि ये भी पूछा जा सकता है कि 1971 के अनुसार, 1971 में जो जनसंख्या थी उसके आधार पर ये जो सीटें बनाई गई हैं, बटी हुई हैं, जो लोकसभा की है या राज्यों की विधानसभा की है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखें, तो 2026 तक नियत रहने वाली है। नेक्स्ट,
राज्यों के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बहुत ही सिंपल है, 6 वर्षों का। ध्यान रखिएगा, राज्यसभा के सदस्य होते हैं जो मेंबर्स होते हैं, उनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, ठीक है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ठीक है, स्टेशनरी बॉडी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। मतलब ये हुआ, इसे कोई भी भंग नहीं कर सकता, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे लोकसभा स्पीकर हो, चाहे राज्यसभा का सभापति हो, कोई इसे भंग नहीं कर सकता। तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और जितने सदस्य होते हैं हर 2 साल बाद एक तिहाई सदस्य इसके चेंज कर दिए जाते हैं, बदल दिए जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हर 2 वर्ष बाद एक तिहाई सदस्य, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का, ठीक है। और राज्यसभा एक स्थायी सदन है, यानी इसे कोई भी भंग नहीं कर सकता। ऐसे भी प्रश्न बनते हैं, इसलिए हर बार मैं जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट है उस चीज़ पे ज़्यादा हाईलाइट करता हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो आपको पता हो चाहिए 7, ठीक है। पहले 6 थी, लेकिन जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ तो कुछ मेंबर्स तेलंगाना में चले गए, तो तेलंगाना के आने के बाद अब टोटल जो मेंबर्स हो गए हैं, यानी टोटल जो विधान परिषद है, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो टोटल 7 हो गए हैं। कैसे? KUMBAJT, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना है, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर और तेलंगाना, ठीक है। तो ये टोटल 7 राज्य है जहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं अगले प्रश्न, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या, न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित कितनी है, ठीक है। टोटल कितने? 31, यानी 30 जस्टिस होगा और एक चीफ जस्टिस होगा। तो ये आपको भी याद रखना है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न, पता होना चाहिए आपको। तो सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीश संख्या 31 है, मतलब मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस को लेकर, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न, राज्य विधानसभा में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है, ठीक है। तो राज्य विधानसभा में न्यूनतम जो संख्या हो सकती है वो 60 हो सकती है, तो मैक्सिमम भी आपको बता देता हूँ, मैक्सिमम 500, किसी भी राज्य की विधानसभा में मैक्सिमम जो संख्या विधानसभा की वो मैक्सिमम 500 हो सकती है, और मिनिमम 60 होनी चाहिए। इसके कुछ एक्सेप्शन भी है, लाइक मतलब अपवाद भी है, 2-3 राज्य ऐसे हैं जहाँ 60 से कम है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, राज्य विधानसभा में मिनिमम जो मेंबर्स होने चाहिए 60 और मैक्सिमम 500, ये आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर विधान परिषद सदस्य कितनी है? विधान परिषद में ध्यान रखना है कि जो भी स्टेट है जहाँ भी विधान परिषद है, तो विधान परिषद की जो सदस्य संख्या होनी चाहिए, वहाँ की जो विधानसभा है वहाँ की विधानसभा की सदस्य संख्या से 1/3 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, 40 से कम नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम 1/3, वहाँ की विधानसभा का 1/3 होनी चाहिए, और 40 मिनिमम होनी चाहिए। तो 36 जम्मू कश्मीर में एक्सेप्शन है, ठीक है। तो बस जो मैं बताना चाहता हूँ, तो अगर ये पूछ ले कि विधान परिषद में सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए, तो उस राज्य की विधानसभा के 1/3, ठीक है, और मिनिमम 40, और 36 का है जम्मू कश्मीर में, एक एक्सेप्शन है यानी अपवाद है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, सरकारी आयोग का संबंध किससे था? तो आपको पता होना चाहिए, कई बार पूछा गया जैसे केंद्र का संबंध के लिए, स्टेट और सेंट्रल के बीच के रिश्ते के लिए, संबंध के लिए सरकारी आयोग 1983 में बैठाया गया था, बुलाया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी का संबंध यानी समिति का संबंध किससे है? तो आपको पता होना चाहिए, इलेक्शन रिफॉर्मेशन यानी चुनाव सुधार से, 1998 में ये कमेटी बनाई गई थी इलेक्शन रिफॉर्मेशन के लिए, यानी चुनाव सुधार से संबंधित जो मुद्दे थे उनको सुलझाने के लिए इंद्रजीत गुप्ता कमेटी बैठाई गई थी, बनाई गई थी कब? 1998 में, ठीक है। तो इसे भी आपको याद रखना होगा, कई सारी हर बार कमेटी पूछता है, तो इसे भी आपको याद रखना होगा। तो चलिए आगे देखते हैं, तो दोस्तों ये थे आज के वो 20 प्रश्न जो आपके लिए PSC 2019 में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। प्लीज इन प्रश्नों को ध्यान से कर ले अच्छे से, इन प्रश्नों के आगे पीछे कैसे और प्रश्न बन सकते हैं खुद आप सोच सकते हैं, और मैं भी और प्रयास करूंगा और अच्छे प्रश्न आपके लिए बना सकूं। इनमें से बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आ चुके हैं, तो प्लीज इन प्रश्नों को ध्यान से कर लें। PSC 2019 को लाइट में मत लीजिए,
सीरियसली पढ़ाई करिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। तो इस वीडियो को प्लीज़ आप सभी से कहना चाहूँगा कि लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें इस चैनल को सुनने के बाद, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है ये सब। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।